एक और बात है जो बहुत अजीब सी मुझे महसूस हो रही है, लेकिन मैं अपने भाई के सामने नहीं कहना चाह रही थी। वो क्या अपा? देखो, मुझे गलत ना समझना, मैं किसी पे बोहतान नहीं लगाना चाह रही, लेकिन जिंदगी का इतना तजुर्बा और मशाहिदा है कि मैं तुम्हें जरा चौकन्ना रहने की तलकीन करूंगी। किससे चौंकना रहे आप खुल के बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि असवंत के जाने के बाद हरीम ने फराज में असवंत को देखना शुरू कर दिया है। ये क्या कह रही हैं आप पापा? मैं जानती हूं कि कहने और सुनने में ये बात अच्छी नहीं लगती, मगर मैंने उसे इतनी बेबाकी और ढिठाई से फराज के गिर्द मंडलाते देखा है कि मुझे तो ऐसा ही लगने लगा है। बल्कि सच पूछो तो ये भी महसूस होता है कि कहीं समीम को हटाकर वो उसकी जगह तो नहीं लेना चाह रही, इसीलिए उसने ये सब किया।